आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इस्लामिक आतंकवाद पर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा पाकिस्तान आतंकवाद पर एक्शन ले। सुन्नी वक्फ बोर्ड का फैसला, अयोध्या में 5 एकड़ जमीन स्वीकार करेंगे, मस्जिद और अस्पताल बनेगा। कमलनाथ के मंत्री सज्जन वर्मा ने किया सच बयान, मुख्यमंत्री की किचन, कैबिनेट में है सिर्फ अधिकारी। मुर्गे को वैश्विक पहचान दिलाने की कवायद, आईफा में फिल्मी सितारों को परोसा जाए कड़कनाथ। और एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हाल, मानसिक रोगी बना डॉक्टर, मरीजों का किया इलाज। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे देश इस्लामिक आतंकवाद का शिकार रहे हैं, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। अमेरिका ने अपने एक्शन में आईएसआईएस को खत्म किया है और अल बगदादी का खात्मा किया है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम आतंक के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहे हैं। पाकिस्तान पर भी अमेरिका ने दबाव बनाया है, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना होगा। हर देश को अपने को सुरक्षित करने का अधिकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज भारत दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप को संबोधित किया। अहमदाबाद आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लंबे रोड शो के बाद मोटेरा स्टेडियम पहुंचे, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ के कसीदे पढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान अमेरिका को भारत का सबसे अच्छा दोस्त बताया और कहा कि पीएम मोदी एक सच्चे चैंपियन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप मेलानिया की तारीफ की और अमेरिका को सच्चा साथी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपने संबोधन में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ की है, आज हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पीएम बोले कि दो देशों के संबंधों का सबसे बड़ा आधार विश्वास होता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी बोले कि जब मैं ट्रंप से पहली बार मिला था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि भारत का सच्चा दोस्त अब व्हाइट हाउस में है। जब व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, तो वहां रहने वाले 40 लाख भारतीय मूल के लोग अमेरिका के विकास में हाथ बढ़ाते हैं। मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है, और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों को प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का नया दस्तावेज बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत अमेरिका आज दोस्ती के साथ साथ बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। मैंने और मेलानिया ने आज महात्मा गांधी आश्रम का दौरा किया, जहां पर गांधी ने नमक आंदोलन की शुरुआत की। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिका भारत दोनों एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, हमारे देश इस्लामिक आतंकवाद का शिकार रहे हैं, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम आतंक के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहे हैं, पाकिस्तान पर भी अमेरिका ने दबाव बनाया है, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना होगा, हर देश को अपने को सुरक्षित करने का अधिकार है। I believe that the United States should be India's premier defense partner, and that's the way it's working out. Together we will defend our sovereignty, security and protect a free and open Indo-Pacific region for our children and for many, many generations to come. The United States and India are also firmly united in our ironclad resolve to defend our citizens from the threat of radical Islamic terrorism.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले कई बिजनेसमैन गुजरात से आते हैं, ऐसे में अमेरिका के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए हम सभी का शुक्रिया करते हैं। उन्होंने कहा, भारत हर साल 2000 से अधिक फिल्में बनाता है जो बॉलीवुड है, पूरी दुनिया में इसका स्वागत किया जाता है, लोग भांगड़ा म्यूजिकल का जिक्र करते हैं, लोगों को DDLJ भी काफी पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत ने दुनिया को सचिन विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ गुजरात के नहीं बल्कि देश के लिए गर्व है जो असंभव को संभव बना सकते हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में आज भारत तरक्की कर रहा है और ये विकास की यात्रा दुनिया के लिए मिसाल है। आज भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन गया है। भारत ने एक दशक के भीतर ही कई करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। अयोध्या मसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि वह 5 एकड़ जमीन स्वीकार करेंगे और उस पर मस्जिद और अस्पताल बनाया जाएगा। इससे पहले इस जमीन को लेकर मुस्लिम एक राय नहीं बना पाए थे। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन स्वीकार करेगा। इस जमीन पर मस्जिद के साथ ही अस्पताल और लाइब्रेरी बनाई जाएगी। लखनऊ में बोर्ड की बैठक में 6 सदस्यों ने हिस्सा लिया और ये फैसला किया। बैठक का एजेंडा तय था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई जमीन स्वीकार करना या नहीं, और इस बात पर भी फैसला करना कि सरकार द्वारा दी जाने वाली जमीन पर मस्जिद ही बनेगी या कुछ और। सुप्रीम कोर्ट में बीते साल 9 नवंबर को अयोध्या मामले में फाइनल सुनवाई हुई थी। सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि विवादित भूमि रामलला की है, इसीलिए वहां राम मंदिर बनेगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। इस आदेश का पालन करते हुए योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने इस साल 5 फरवरी को अयोध्या लखनऊ राजमार्ग पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी राज्य सरकार द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए दी गई जमीन लेने के मुद्दे पर पहले ही कह चुके हैं कि वे इसे लेने से इनकार नहीं कर सकते। बैठक में फैसला लिया गया है कि ट्रस्ट बनाकर आगे की नीति तय की जाएगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की किचन कैबिनेट में अधिकारी हैं और उन्हीं की सिफारिश पर इंदौर जैसी चाशनी वाली जगह पर अधिकारियों को भेजा जा रहा है। प्रदेश में जनता की सरकार तो आ गई है, लेकिन अभी कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं आई है, उसकी वजह यही है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन रखा था। दिल की बात थीम पर रखे गए सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा, मुख्यमंत्री की किचन कैबिनेट में अधिकारी हैं और उन्हीं की सिफारिश पर इंदौर जैसी चाशनी वाली जगह पर अधिकारियों को भेजा जा रहा है। प्रदेश में जनता की सरकार तो आ गई है, लेकिन अभी कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं आई है। वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ कान में फुसफुसाते फोटो जारी करके वे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर रहे हैं। सज्जन वर्मा ये भी कहने से नहीं चूके कि हम दिग्विजय सिंह के जमाने में फेल ही इसीलिए हुए क्योंकि मुख्यमंत्री रहते उनके आंख नाक कान कलेक्टर SP हुआ करते थे। कार्यकर्ता बहुत पीछे चले गए थे। किचन कैबिनेट अनुभवी नेताओं के साथ एक मुख्यमंत्री की होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। उन संभाग की क्या परिस्थिति है, उस संभाग की क्या परिस्थिति है, आदिवासी भाई अनुसूचित जाति भाई की क्या परिस्थिति है, अल्पसंख्यक व्यापारियों की क्या परिस्थिति है, तो ऐसे लोगों की किचन कैबिनेट इतने साल से हम लोग राजनीति में तो हमने तो यही देखा है। अब अधिकारियों की किचन कैबिनेट होगी तो जिलों में संभागों में उनके मन के अधिकारी जाएंगे, इसलिए कार्यकर्ता की थोड़ी कुंठा है जो मैं मुख्यमंत्री से कहूँ। वर्मा ने दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल का एक किस्सा भी सुनाया। वर्मा बोले कि तब देवास के कांग्रेस नेता जयसिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। मैंने मुख्यमंत्री से फोन पर तत्कालीन देवास SP संजीव शमी की बात करवाई तो उन्होंने इस अंदाज में बात की कि मुझे
फोन छीनना पड़ा। वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय से दिग्विजय सिंह की बार बार मुलाकातों और गले मिलते कान में बात करते फोटो जारी होने पर कहा कि शादी ब्याह में आना जुर्म नहीं, लेकिन जिस तरह का वातावरण बनता है उससे कार्यकर्ता मन महसूसता है कि हो क्या रहा है, सोचता है कि वे ही आज भी पावरफुल हैं जो 15 साल तक रहे और जनता का खून चूसते रहे। इंदौर में मार्च में होने वाले आईफा अवार्ड समारोह में फिल्मी सितारों को झाबुआ के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा और दाल पानिया परोसने की पेशकश की गई है। यह कवायद मुर्गे को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए की जा रही है। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और कड़कनाथ अनुसंधान एवं उत्पादन परियोजना के निदेशक डॉक्टर IS तोमर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ने एक ब्लॉग के माध्यम से आईफा अवार्ड समारोह को प्रदेश के आदिवासियों को समर्पित किया है। इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर IS तोमर ने मुख्यमंत्री को लिखकर सुझाव दिया है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे में फैट कम मात्रा में और प्रोटीन व आयरन भरपूर होता है। अपनी अन्य खूबियों के कारण ये पूरे प्रदेश में अलग पहचान बना चुका है। दाल पानिया भी इस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन है। यह दोनों व्यंजन फिल्मी सितारों को परोसे जाएं ताकि इन व्यंजनों को वैश्विक पहचान मिल सके। इसका सीधा फायदा यहां के आदिवासियों को होगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल को भी इस बारे में लिखा गया है। डॉक्टर तोमर ने बताया कि हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है, यदि इसे मान लिया जाता है तो हम आईफा अवार्ड समारोह में कड़कनाथ की आपूर्ति कर सकते हैं। झाबुआ और अलीराजपुर में आदिवासियों के करीब 12 स्वयं सहायता समूह कड़कनाथ मुर्गे का उत्पादन और संरक्षण कर रहे हैं। इन समूहों से करीब 250 सदस्य जुड़े हैं। कड़कनाथ को गरीब आदिवासी पालते हैं और खुद भी खाने में उपयोग करते हैं। यदि आईफा में फिल्मी सितारों को इसे परोसा जाएगा तो वे भी इसके बारे में जानेंगे और इसकी अच्छी खासी मार्केटिंग होगी। कमलनाथ की सरकार बनने के बाद से मध्य प्रदेश के बुरे हाल हैं। मध्य प्रदेश में अस्पतालों के हाल कैसे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मानसिक रोगी जाकर डॉक्टर के केबिन में बैठ जाता है और मरीजों का इलाज करने लगता है। यह वाक्या छतरपुर जिला अस्पताल का है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का एक अनोखा मामला सामने आया है, जब एक मानसिक रोगी डॉक्टर के खाली चैम्बर में उनकी कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज करने लगा। अस्पताल प्रबंधन को जब पता लगा तो उन्होंने मानसिक रोगी को बाहर कर दिया। अब सिविल सर्जन सभी डॉक्टरों को जिम्मेदारी से अपना काम करने की नसीहत दे रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। ये मामला 10 फरवरी का है। चैम्बर नंबर 20 स्किन डॉक्टर हिमांशु बाथम का है। उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस में लगी थी, इसीलिए चैम्बर खाली था। इस बीच एक मानसिक रोगी उनकी कुर्सी पर जमकर बैठ गया। कुर्सी पर बैठे युवक को लोगों ने डॉक्टर समझकर इलाज कराना शुरू कर दिया। लोगों के अनुसार उसने 10 से 12 मरीजों को पर्चों पर दवाई भी लिखी है। मरीज पर्चे लेकर सरकारी मेडिकल स्टोर पर दवाएं लेने चले गए। मेडिकल स्टोर में मौजूद कर्मचारी अनूप शुक्ला को पर्चे पर लिखी दवाइयों पर शक हुआ तो उसने मरीजों से डॉक्टर का चैम्बर नंबर पूछा। इसके बाद अनूप उस चैम्बर में गए तो पता चला कि एक मानसिक रोगी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का चेकअप कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन को सूचना मिलने पर अधिकारी आए और उसे बाहर कर दिया। I am coming for study. I am studying that. But don't you know you are not authorized? I am authorized. I am no wrong. Do you have any letters? I have letters. Would you like to show? No. Why? Body or occupation? Body. Who are you? अस्पताल में हुई घोर लापरवाही पर सिविल सर्जन डॉक्टर एस के दीक्षित का कहना है कि युवक मानसिक रोगी था। चूंकि डॉक्टर हिमांशु की ड्यूटी PM हाउस में थी, इसीलिए उनका चैम्बर खाली था। पता चलने पर उसको अस्पताल से बाहर कर दिया गया। सभी डॉक्टरों व स्टाफ को नियमित रूप से जिम्मेदारी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लेकर जाँच की बात कही है। मेरे संज्ञान में ये बात आई है, कुछ लोगों ने बताया है, मैंने अधिकारियों से जाँच करने के लिए कहा है। कैसी जांच होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छतरपुर में आयोजित किए जा रहे बुंदेली उत्सव में कला और संस्कृति के नाम पर जमकर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गईं। कलेक्टर द्वारा जिले में हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद आयोजन में नियमों को ताक में रखते हुए निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई। हद तो तब हो गई जब एक नाबालिग ने 3 फायर किए। गनीमत रही इस फायरिंग में किसी की जान नहीं गई। जब इस मामले में जिले के एडीएम से फायरिंग की परमिशन की बात की गई तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। छतरपुर से बसारी में चल रहे बुंदेली उत्सव में कला और संस्कृति के नाम पर नियम विरुद्ध हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। वैसे तो इस आयोजन को बुंदेली तहजीब को जिंदा बनाए रखने के लिए पूर्व कांग्रेसी विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में जो नजारा देखने को मिला उससे किसी की भी जान पर बच सकती थी। दरअसल इस आयोजन में नियम कायदों को ताक पर रखकर आत्मरक्षा के लिए दिया गया लाइसेंसी राइफल से निशानेबाजी प्रतियोगिता बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के उस वक्त की गई जब जिले में कलेक्टर द्वारा हर्ष फायर करने पर पाबंदी लगाई गई है। बावजूद इसके बसारी गांव में चल रहे बुंदेली उत्सव में खुलेआम निशानेबाजी के नाम पर कई राउंड फायर किए गए। भले ही आयोजक परमिशन लेने की बात कह रहे हों और तालाब में आयोजित हुई निशानेबाजी की इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी फायरिंग के दौरान उत्साहित नजर आ रहे हों, लेकिन नजर हटते ही यहां पर किसी की भी जान जा सकती थी, क्योंकि तालाब के जिस तरफ फायर कर निशाना लगाया जा रहा था उस तरफ दीवाल ना होकर किसानों के खेत थे। आपको मालूम है कि ये बुंदेली उत्सव का आखिरी दिन है, आखिरी दिन निशानेबाजी यहाँ पे परमिशन लेने के बाद जो लाइसेंस होल्डर है सिर्फ उन्हें निशानेबाजी में हम लोग शामिल कर दूसरे के नाम पे अगर है तो उनको ऐसे प्रतिभागियों को हम लोग उसमें शामिल नहीं करते। यही नहीं, बड़े बड़े निशानेबाजों के बीच एक नाबालिग ने हाथों में राइफल तान कर 3 राउंड फायर किए। ऐसे में यदि निशाना चूकता तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। वही इस मामले में जिले के एडीएम से फायरिंग की परमिशन की बात की तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। वहीं नाबालिग द्वारा फायरिंग करने पर देखने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। यदि इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है तो उसमें परमिशन है या नहीं है, परमिशन की आवश्यकता जरूरी है कि नहीं है, इस संबंध में जानकारी लूंगा। और अगर मान लो परमिशन की आवश्यकता होगी तो निश्चित जो भी उसके लिए सक्षम अधिकारी उनके द्वारा परमिशन दी होगी। सीहोर जिले के रेहटी थाना क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीणों ने एक युवक और एक नाबालिग लड़की को साथ घूमता देखकर जमकर पिटाई की। कैंची से युवक के बाल भी काट दिए गए। घटना करीब 15 दिन पुरानी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई। रेहटी में एक नाबालिग कक्षा 10वीं की छात्रा और उसका 19 साल का प्रेमी अक्सर घूमते नजर आए। घटना वाले दिन किशोरी स्कूल में बैग रखकर युवक के साथ बाइक पर घूमने चली गई थी। करीब 3 घंटे बाद युवक उसे स्कूल छोड़ने आया, तब ग्रामीण ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई की। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो शनिवार से सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया। वीडियो में युवक और किशोरी को लोग पीटते और डांटते नजर आ रहे हैं। दोनों पीड़ित हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे लेकिन ग्रामीण नहीं माने। एक ग्रामीण ने कैंची से युवक के बाल काट दिए। तमाशबीन बने अन्य लोगों ने ना तो बीच बचाव किया और ना ही पुलिस को सूचना दी। वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को दोनों पीड़ितों के परिजनों ने थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है। जैसा बता रहे हैं आपके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है और यदि ऐसी
कोई भी घटना हुई है तो उसको पुलिस के द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा। अभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो संबंधित गांव में विजिट करें और यदि कोई भी इस प्रकार की घटना हुई है इसकी जांच करें और उसमें वैधानिक कार्रवाई करें। ये घटना लगभग 15 दिन पुरानी बताई जा रही है। पीड़ितों की शिकायत के बाद वायरल वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छतरपुर में रिश्तों को तार तार करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक मंदिर के महंत ने अपनी शिष्या का दैहिक शोषण किया है। ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो महंत फरार हो गया। छतरपुर में एक मंदिर के महंत पर अपनी शिष्या के साथ रेप के आरोप लगे हैं। घटना कोतवाली क्षेत्र के धनुषधारी मंदिर की बताई जा रही है। मंदिर में रहने वाले महंत रामदास की शिष्या 2 साल से रह रही है। इसी शिष्या ने महंत पर आरोप लगाया है कि महंत 2 सालों से लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। शिष्या ने महंत की शिकायत कोतवाली में की तो पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर महंत रामदास पर रेप का मामला दर्ज किया है। रेप का मामला दर्ज होने के बाद महंत रामदास फरार हो गया। वहीं संत समाज के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मंदिर की संपत्ति पर शिष्या कब्जा चाह रही है, इसीलिए महंत पर उसने साजिश के तहत मामला दर्ज करवाया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, इस तरह के आरोप कई बार लगे हैं और जहां संपत्ति होती है वहां लगते हैं। जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। महंत जी के ऊपर जो आरोप लगा है ये संपत्ति को हड़पने के लिए लगा है। वो 2 साल से यहाँ महिला शिष्य बन के रह रही थी और महंत जी को कई बार हमने कहा कि इसको हटाइए, लेकिन ना हटाने का परिणाम ये हुआ कि वो संपत्ति हड़पने के लिए उसने उल्टी सीधी रिपोर्ट किया है, जो गलत है। केवल संपत्ति हड़पने के लिए हो रहा है कि यहाँ बहुत सी जायदाद लगी है, ये संपत्ति के पीछे ये सब नाटक हो रहे हैं। प्रकरण कायम किया गया है 376 के 506 के अंतर्गत और थाना कोतवाली का केस है और इसमें बाबा जी पहले से उसको रखे हुए थे और क्या विवाद है इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है। आगे जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आएंगे वैसी आगे कार्रवाई की जाएगी। दैनिक समाचार पत्र दैनिक सत्ता सुधार ने भोपाल संस्करण के 3 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य समारोह किया। इस समारोह में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। खबर के हर पहलू पर अपनी तीखी नजर रखने वाले अखबार सत्ता सुधार ने भोपाल संस्करण के 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। इस उपलक्ष में चेयरमैन गोपाल श्रीवास्तव ने संगीत संध्या का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रदेश के पत्रकार नेता व अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वास सारंग को सत्ता सुधार परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस समारोह में पीआईबी के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराव, जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक HL चौधरी और CK सिसोदिया और माध्यम के पुष्पेंद्र पाल सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। प्रसिद्ध गायक सुनील शुक्रवारी ने इस मौके पर बेहतरीन गीतों से समा बांध दिया। ये सब हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उन सबकी जीत है भैया, और आज तक जो आगे अपन संघर्ष कर रहे हैं सब लोग कर रहे हैं भैया, वो सारी चीज़ें हैं वो सब आप लोगों के सहयोग से ही पूरे होती हैं भैया हैं। और 20 साल से हम लोग ये संघर्ष कर करते ग्वालियर से CP, दतिया, श्योपुर, भिंड, लखपुर, झांसी एंड लखनऊ, रायपुर सबसे होते हुए आज भोपाल में 3 साल पूरे हुए हैं। दैनिक सत्ता सुधार हमारा प्रमुख हिंदी समाचार पत्र है। 1998 में इसके संस्थापक श्री गोपाल श्रीवास्तव ने इसकी शुरुआत की थी ग्वालियर शहर से। ग्वालियर के बाद ये धीरे धीरे इसका सफर तय हुआ और तय करते हुए हम आज भोपाल में 2017 में हमने इसको लॉन्च किया था और 2017 से आज 2020 में इसको 3 साल पूरे हो चुके हैं। और आज ही का वो दिन है जिस दिन हमने सत्ता सुधार को भोपाल राजधानी में 3 साल कंप्लीट किए। और हमारी जो खबरों का लेआउट है वो 16 पेज का कलर अखबार है और हमारा सिर्फ उद्देश्य जनता के साथ, जनता की आवाज़ और जनता के हित के लिए कार्य करना है। सिवनी में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों को संकट में डाल दिया है। जिले में अचानक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। अपनी बर्बाद हुई फसलों को देखकर एक किसान ने गीत के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। किसान खेत में गिरे ओले पर गीत गाकर बता रहा है कि किस प्रकार ओलों से उनकी खेती चौपट हो गई है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। सिवनी के कई क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश ने खेत में लगी फसल को चौपट कर दिया, जिससे अब अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जानकारी के अनुसार जिले की तहसील लखनादौन, छपारा, घनसौर के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ओले गिरने से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं।
कई क्षेत्रों में तेज बारिश में ओले लगभग 5 मिनट तक गिरे, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब मौसम के पलटते ही घना कोहरा रहने की आशंका है, जिससे बची फसल को भी नुकसान होने की आशंका है। इस बीच एक किसान और लोक संगीत गायक बंटी तिवारी ने फिल्मी गाने की तर्ज पर ओलों से बर्बाद हुई फसलों की पीड़ा गाकर बताई है। आए भैया ओले 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 करके बर्बादी जाए, ओले 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 आधे गांव में गिर गए भैया, ओले 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 मुझको दिखाती हैं बर्बादियां, झूठी नहीं है ये कहानियां। बंटी तिवारी गाए ओले 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 ओले, जब जब ये आए भैया, ओले 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 करके बर्बादी जाए, ओले 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 ओले। मुगावली और बहादुरपुर में शिव बारात बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस दौरान गुना सांसद केपी यादव का भी भक्तिमय रूप सामने आया और यह भोले के भजनों पर भक्तों के साथ जमकर नाचते दिखाई दिए। शिव बारात में शामिल होने सांसद केपी यादव मुंगावली पहुंचे। इस दौरान सांसद शिव भक्तों के साथ पैदल चल रहे थे और जब भी भक्तों ने इनसे नाचने की मांग की तो ये बिना किसी हिचक और संकोच के दिल से नाचते नजर आए। शिवरात्रि पर सांसद केपी पूरी तरह से भोले की भक्ति में रमे दिखाई दिए। भोले की भक्ति में गुना सांसद ने जमकर ठुमके लगाए। सांसद के डांस का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।